ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। दर्द और परेशानी के कारण सबसे सरल कार्य भी असंभव लगने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक दुर्बल करने वाली स्थिति है जो जोड़ों में दर्द और कठोरता पैदा करके लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हाल के अभूतपूर्व शोध में एडसेवेरिन नामक पहले से अध्ययन न किए गए प्रोटीन का पता चला है जो बीमारी को रोकने की कुंजी हो सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि स्वस्थ उपास्थि कोशिकाओं में बड़ी मात्रा में एडसेवेरिन होता है जबकि अस्वस्थ उपास्थि कोशिकाओं में नहीं होता है। एडसेवेरिन की मात्रा अंतः कोशिकाओं के संरचनात्मक ढांचे को नियंत्रित करती है जिसे फिलामेंटस एक्टिन एफ एक्टिन कहा जाता है जो जोड़ों के हिलने पर होने वाले उपास्थि कोशिकाओं पर तनाव के खिलाफ ढाल की तरह काम करता है। एफ एक्टिन खोने से कोशिकाएं अंततः मर जाती हैं, जिससे उपास्थि में अतिरिक्त समस्याएं पैदा होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के खिलाफ एडसेवेरिन के सुरक्षात्मक प्रभाव की खोज एक बड़ी सफलता है क्योंकि इस स्थिति के वर्तमान उपचार में या तो सर्जरी या दर्द को नियंत्रित करना शामिल है। हालांकि इस शोध का अभी तक मनुष्यों पर परीक्षण नहीं किया गया है लेकिन निष्कर्ष प्रोटीन को लक्षित करने वाले उपचार विज्ञान के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। डेलावेयर सेंटर फॉर मस्कुलोस्केलेटल रिसर्च के माध्यम से शोधकर्ता कोशिका मृत्यु सहित ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रक्रियाओं के संबंध में एफ एक्टिन के विनियमन की जांच जारी रख रहे हैं। प्रयोगशाला एक अन्य एफ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन पर केंद्रित है जिसे ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है जो उपास्थि अधपतन को विनियमित करने की कुंजी भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक दर्दनाक और दुर्बल करने वाली स्थिति हो सकती है लेकिन एडसेवेरिन की खोज के साथ बेहतर भविष्य की उम्मीद है।